रामपुर आजम खां द्वारा भारतीय सैनिकों के विरुद्ध अभद्र टिप्पणियां करने के मामले में आज आजम खां को कोर्ट में पेश होना था। आजम खां के कोर्ट नहीं पहुंचने पर कोर्ट ने 2 बजे तक का समय दिया था, लेकिन आजम खां 2 बजे भी कोर्ट नहीं पहुंचे। अब अगली सुनवाई 16 जनवरी को होगी। भारतीय सैनिकों के विरुद्ध जो उन्होंने अभद्र टिप्पणी की थी, उसमें मेरे द्वारा एक मुकदमा दर्ज करवाया गया था 2017 में, जिसमें ये अपनी हाई कोर्ट से जमानत करा चुके हैं और आज उसी मामले में तारीख थी, इनको हाजिर होना था, लेकिन इन्होंने जिस तरीके से पहले भी और केसेस में अब तक ये नहीं हाजिर हुए हैं, वैसे ही इन्होंने आज किया और अपने वकील अपना चेंज करते हुए कोर्ट से समय मांगा है कि मुझे एक मौका और दिया जाए। तो कोर्ट ने न्याय को देखते हुए एक 16 तारीख इन्होंने और लगाई है, जिसमें आरोप वगैरह शायद तय कर दिए गए हैं। हाँ, चार्ज भैंस चार्ज भैंस और 16 जनवरी इसमें अगली तारीख होने में गवाही से पहले आरोप तय किए जाते हैं, जिसे चार्ज फ्रेमिंग कहा जाता है। चार्ज फ्रेमिंग के वक्त मुलजिम के वकील को सुना जाता है, जो धाराएं उन पे लगाई गई हैं क्या वो सही हैं या नहीं हैं, उनमें कोई परिवर्तन किया जा सकता है या नहीं। तो वकील साहब ने कहा कि मेरी तैयारी नहीं है, मैं इसमें स्टडी करना चाहता हूँ, मैं आरोप पर बहस करना चाहता हूँ। तो न्याय हित में कोर्ट ने एक मौका उन्हें दिया।